अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द ग्रेट जेड के और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जी। अभी मैं पहुँचा हूँ कलमत जो पसनी तहसील के अंदर आता है, तो ओरमाड़े से कोई अगर आप आ जाएँ बाइक पे तो कितने बजे निकलूँ जी। ओरमाड़े से मैं निकला था 10:10 पे और 12:30 बज रहे हैं, तो आज रास्ते में मैंने रेस्ट भी की है, पानी शानी भी पिया हुआ है। तो बाज़ार को मैंने क्रॉस किया हुआ है कलमत के जो छोटा सा एक बाज़ार है, तो अभी आए हूँ बीच पे, तो कलमत बीच और अच्छी से क्योंकि मैं पानी पीना भूल गया हूँ मैं अपने। जब आप ओरमाड़े से निकलते हैं तो ओरमाड़े से जब आप आते हैं तो माकोला होटल है उसको आप क्रॉस करेंगे और फिर आगे आओगे, आगे फिर वो कुछ होटल होते हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट हैं एक लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आते हुए कुछ आपको चौकी नज़र आएगी पुलिस वाले की, वहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न करना है, सीधा पकड़ के सीधा आपने आना है, कच्चा पक्का होगा थोड़ा वो टूटी हुई है। तो उसके बाद जब आप आओगे तो एक लेफ़्ट को टर्न करेगी, वो चंडी का रास्ता होगा, वहाँ नहीं जाओ सीधा आप। मैप में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से मतलब आते हैं, तो अगर हो सके तो वहाँ से आप सीधा आ जाएं तो बाज़ार को क्रॉस करोगे, फिर रोड मतलब कच्चा है मगर आपने व्लॉग में देखा होगा तो उसमें ये होगा कि रोड बिल्कुल सही किनारे में मतलब पहुँची हुई है, ग्रीनरी है जो समंदर के खारे पानी से मतलब जो निकलती है, क्या बोलते हैं कुछ मैंग्रोव्स बोलते हैं कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद द ग्रेट जेड के साथ कलमत को जाए, कलमत ये राया बुरुआ पता है ये नहीं मैं बेहतर रहा, आओ डर मेरे रास्ता मतलब जाती है तो इससे पता कर लेते हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो अभी अच्छा है। Beep beep beep.
कलमत तू का जब भी कलमत नाम कहते तो अमल नाम लाजम गिरक भी क्या यक मतलब बहादुर मरदूम भी था पुर्तगालिया नहीं गुमा ओमा ये भी ओशकुता के इशिया पुर्तगालिया नहीं परंगिया नहीं बूझी ये राया चे गुस्तना इशिया कितना आरता होती इलाके था ये मतलब रास्ता कि लूटता मतलब पुर्तगाली अंग्रेजा नहीं बूझी बूझी शायद लूटता आरता ना पता इसी कहानी छू दिता मतलब कई इशिया पुराने पुराने ना मतलब शो में पिस्से पीरोग बीतगा शो में पिस्से पीरोग मतलब बीतगा आज लाजम शुमार उस तक ई वड़े ने मतलब आस्ते अन्य दरामद ही बहते हैं मतलब पसनी वाला नजाना मो उर्माड़ा पसनी उर्माड़ा मतलब बेचे कल मत ना ये माँ को लाए नहीं उर्माड़ी ये बहते हैं डारे का पहला जो उसका एक हाँ वर गए आप चीजें वो डारे पहला जो उसका एक हाँ ठीक है अम्मल छे कुर्ता अम्मल छे बिता अम्मा के पास उसके लिए उसी अम्मल के इंग्रज हैं लोड़ा मिलता मिलता आओ बुरा मतलब चों शेर मिलता पता अंग्रेज हैं शेर छे कुर्ता कुछ था ना और ग्राइंड तो वही लोकल ही मर्द मांग उसी बल्लो की अस्ता आई है अंग्रेज ना कुछ तक की वही अस्ते बूझी गान चारने में पीछा बंदे आओ पीछा वान के ताकि ये पता क्या सेलेब्रिटी पीछा नितार होते हैं आओ पता इशिया इशी इशी अम्मला रे गेप तम्मले पता अमाचेशन थे ये जगह मगर ऐसा कितना कष्ट था वार्त का पता मैं अंग्रेज वार्त का कि मैं हमें वो चौक पता मतलब चीज भी अम्मल पैदा भी ताकतवर मतलब ये एक चीज भी था और देखिए पता इसी अंग्रेजा नहीं घूमा कित का बंदी कुत का अंग्रेजा नहीं जाने माने जो रास्ते के आए नहीं घूमा मतलब उसी पैसा अर्थ का मोहब्बत भी था नहीं घूमा इश्क भी था ये द्रोग है रास्ते आओ अमला सांग न दुरता अंग्रेजा घोषता के मतलब मनी मनी जाने का बुजू पर ये मर्दा मतलब आओ इनकार को था ये मर्दा के माँ सांग मतलब नखना शो परंगिया नहीं घूमा वो वत पता मतलब ये चो भी था वती इलाका है गुंडे भी था या वती इलाका है मर्दमनी वो शरबी था शरबू था आओ वती मुल्क की दाश थी उसी से चारे ने मैं एक बलाएं बंदे बसता हमें बंद कुजा ने मैं उसी बलाएं बंदे बसते हमारे माँ जो मतलब इलाका है तो का सात कुत मका इसी इलाका बुता से बल गजदार बल करते ना आओ आओ कुछ से मैंने पता किया हुआ है कि अमल के बारे में क्योंकि जब कलमत का नाम आता है तो अमल का नाम भी आता है तो ये हैं सिपाही लोग ये हैं तो वे अभी एक लोकल से बात हुई है अमल के बारे में तो वो कह रहे थे कि अमल एक नडर और वो था कि जब अपने इलाके में ज़ाहिर सबसे बड़ा और फरंगियों मतलब पुर्तगालियों के साथ वो जहाज है उनकी जो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट मतलब होती थी जहाज़ों का तो उनको ये लूटता था और लेके आते थे तो बोरे इससे बहुत डरते थे और डर की वजह से उन्होंने ऑफर भी किए अपने मतलब क्या आप हमारे किसी गोरी के साथ शादी करें मगर उसने कहा कि नहीं मैं किसी गोरी से शादी नहीं करूँगा तो आखिर में लोकल के जो है बोले इनके आखिर एक जो यहाँ सुनने को आ रहा है कि एक जो बुढ़िया थी उन्होंने उन गोरों को जो तरतीब मतलब दिए कि मशवरा दिए कि आप लोग जो हम बोलते जो ये पत्ते होते हैं इसका ये खजूर के दरख्त जो होते हैं इस टाइप के पीश बोलते हैं बलूची में तो उन्होंने कहा कि ये आप अपने लांच के जो हैं जो जहाज़ हैं बेरी उनके चारों साइडों पे लगा दें तो जब वो आ जाएंगे तो जब उसमें जब वो स्लिप हो जाएंगे उसमें फंस जाएंगे इसी तरह की मतलब वो कहानी थी उनकी तो उन्होंने मतलब ये किया था कि उसको फंसवाया और आखिर में उसको
मतलब मार दिया उसके जिगर निकाल के। तो उन्होंने खुद कहा लिया कि मतलब हमारे जो अपने खुद कहा लिया पता नहीं अपने औरतों को उन्होंने कहलाया कि जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो इसी अमल की तरह मतलब बहादुर होंगे। उन्होंने ये हुआ था कि उन्होंने पुर्तगालियों के नाक में दम रखा था, तो बड़ा मतलब एक बहादुर था। एक हिस्ट्री में जब बलोच हिस्ट्री में आते हैं कुछ नाम है तो ये अमल का भी आ जाता है। तो ये है कलमत की जो बीच है। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग और हम आए थे इधर कलमत बीच पे। तो अभी एक छोटा सा शॉट लेंगे ड्रोन का। माशाल्लाह अगर ये समंदर का जो पानी है इसकी जगह अगर मीठा पानी होता और ये दरख्त हैं ताकि कुदरत है कारे पानी में ही जो ये दरख्त हैं बूटियाँ हैं बिल्कुल सब्स गए और दूर दूर तक और ये गब्बर गब्बर को मैंने इधर खड़ा किया। जी ये था यहाँ हमारा छोटा सा व्लॉग और ये कलमत का जो बीच है मेरे पीछे वाले साइड पे जो ये इनके जो यहाँ जो मछली लेके आते हैं सुखाने के लिए। ये एक था एक छोटा सा व्लॉग और यहीं से अपने व्लॉग को एंड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को साउंड की क्वालिटी सही क्योंकि हवा बहुत चल रही है तो सही आ रही होगी। तो चलते हैं अभी ड्रोन का शॉट भी हो गया अभी वापसी के इंशाल्लाह फिर अपने उरमाड़े की तरफ मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय सी यू।